हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक न्यू वीडियो जो कि है बेसन के मुताबिक। हाँ, उसके बेनिफिट्स, हम उसके बेनिफिट्स और उससे आप अगर गलत तरीके से यूज़ करो तो क्या हाँ हो सकता है। ठीक है, तो जैसे एलोवेरा के आप गलत यूज़ करते हैं तो क्योंकि नेचुरल चीज़ों का कोई मसला तो नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे गलत तरीके से यूज़ करो तो फिर मसला हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन मेथड है हमारे पास जिसमें ये हम लोगों ने एक बॉल और एक ब्रश चाहिए हमें, क्योंकि हमने मिक्स करके पेस्ट बनाना है तो उसके लिए हमें चाहिए। तो क्या करना, आपने एक बोल ब्रश ले लेना है। ठीक है, और मैं आपको ये जो है ये आपने ड्राई स्किन पे जो है अप्लाई नहीं करना, आपने ये भी ऑयली स्किन पे करना है। ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको बताने लगी हूँ, बेसन जो है वो आपका एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है, तो अगर आप इसे ड्राई पे कर लोगे तो वो आप फिर और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। अभी देखना हम करेंगे ना, तो बिल्कुल, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है आप उस पर बेसन इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वीक में सिर्फ और सिर्फ एक, हाँ एक से ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आपका मॉइस्चर बिल्कुल जाना शुरू हो जाता है और स्किन ड्राई भी हो जाती है। ठीक है, तो जब मॉइस्चर जाएगा तो कोई ग्लो ही नहीं आएगा, वो ऐसे रफ सी और फ्लैकी सी स्किन हो जाएगी। जी, अब एक बॉल ले लिया हम लोगों ने, इसमें क्या ऐड करना है, थोड़ा सा बेसन। ठीक है, थोड़ा सा बेसन हमने ग्राम फ्लोर भी उसे कहते हैं तो। नहीं चलो, हम तो हाथ के लिए करें तो हम थोड़ा तो ये तो फेस, हाँ, अपने फेस के हिसाब से जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा, जितना छोटा होगा उतना कम। ठीक है, अब इसमें सिंपल और हम लोगों ने टैप वाटर यूज़ किया। ठीक है, ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है। आप डायरेक्ट पेस्ट इस तरह से लगाओगे तो ये ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, उसे आपने एक्ने वाली स्किन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने हाँ, वो नेक्स्ट भी है लेकिन हाँ, क्योंकि आपको हम थोड़ा सा फर्क बता दें कि ड्रायर ऑयल और एक्ने के लिए आपने इस तरह से आपने इसे अप्लाई करना है। अच्छी तरह अप्लाई करें, इसको आपने मसाज बिल्कुल नहीं करना। क्यों जी? क्योंकि ये पहले ही ये स्किन ड्राई करने के लिए होता है, कि ऑयली स्किन को ड्राई करने के लिए, तो अगर आप उसको मसाज करोगे तो और स्किन में अब्सॉर्ब होता जाएगा तो वो मज़ीद ड्राई थी, तो आपने इसको ड्राई नहीं करना। ज़रा आप हाथ धोला रखिए, हाँ तो आप वेट करें, ये सिर्फ फेस पैक है, आपने इसे मसाज बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, ऐसे लगाने आपने इसे 5 से 10 मिनट के लिए लगाने जी, और इससे ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि स्किन ड्राई हो जाती है। हाँ, फिर ज़्यादा ड्राई भी तो नहीं ना अच्छी लगती है, 5 से 7 मिनट काफ़ी है। आप इसे लगाएं और वॉश करें और देखें, और ड्राई हो गई है, देखें ज़रा आप, ड्राई पैचेस से आ रहे हैं ना, और मुझे बहुत ड्राई भी फील हो रहा था। तो आपको पसंद आया बेसन? नहीं, मुझे नहीं आया। तो एलोवेरा की तरह आपको ये हम भी बता दें कि ये भी जो है आप डायरेक्ट यूज़ और ड्राई स्किन पर नहीं कर सकते, वरना ये नुकसान देता है। तो ड्राई स्किन, तो ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा क्योंकि हम इसमें जो है मिल्क यूज़ कर रहे हैं। आप पाउडर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरल है तो चलो कर, अच्छी बात है नेचुरल का, तो क्योंकि उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो सकती है। तो आपने बेसन में मिल्क ऐड करना है और ये है जी ड्राई स्किन। ठीक है, अच्छे से पेस्ट बना लेना है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि मिल्क भी है जो मॉइस्चराइज करेगा और थोड़ा ऑयली टेक्सचर भी, जो उसके अंदर ऑयल्स होते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है जी, तो वाइटनिंग के लिए भी ये अच्छा है, स्किन वाइटनिंग के लिए, टैनिंग जो है वो खत्म करती है। उसमें हमने थोड़ी सी पेंच ऑफ हाँ टर्मरिक, ठीक है, ऐड कर देनी है थोड़ी सी हल्दी। तो आपने इसे ऐड कर लेना है। एक तो ये ऐसा करता है कि आपके स्किन पे कोई निशान है, ठीक है, हल्दी की वजह से भी, हल्दी की वजह से भी वो, और हल्दी बड़ी अच्छी होती है, इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आप ऐड करके दानों वाली स्किन पे, एक्ने वाली स्किन पे निशान जो पड़ जाते हैं ऊपर, और ड्राई स्किन पर लगा सकते हैं। ठीक है, एक्ने के स्पॉट्स और ड्राई स्किन पर लगा सकते हैं, इसे भी आपने अप्लाई करना है और बस लगे रहने देना है 15 मिनट तक, 15 से 20 मिनट या चलो 15 ठीक है, 10 से 15 लगा लें, इससे ज़्यादा स्किन टाइप का एक तो हिसाब होता है ना। अब ये ड्राई है तो आप मिल्क जब ऐड अंदर कर लेंगे तो फिर ये जो है आपको हल्दी का कोई खास और उसका बेसन का कोई ना ड्राइनेस ज़्यादा जो है वो, लेकिन हल्दी का कलर ज़रूर आ जाता है, थोड़ा सा कलर आ जाता है। आप 5 से 7 मिनट तक है, लेकिन ये है कि वो वॉश होता जाता है, तो हल्दी आप कम ही डालिएगा जी, और फिर से एक बार रिमाइंड करा दें इनको कि ये नेचुरल है, तो नेचुरल चीज़ें जो हैं वो टाइम लेती हैं रिजल्ट देती हैं। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा ही धो के कहना कि वाओ रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता। आपने जो है अब थोड़ा सा वेट भी करना है ताकि ये ड्राई हो जाए, तो आपने इसे थोड़ा सा ड्राई करना है, फिर इसे वॉश कर लेना है जी, सिंपल। तो देखें रिजल्ट अभी थोड़ा ठीक लग रहा है और ड्राई भी नहीं हुई है, हाँ क्योंकि इसमें मिल्क था ना तो उससे ज़रा सॉफ्ट हो गई है। हाँ, तो हम आपको अपनी हैंड से करके दिखा देते हैं कि हैंड से तो बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, फेस तो ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, हैंड ज़्यादा होते हैं। अब हम आपका नेक्स्ट वाला मेथड बता देते हैं जो है थर्ड मेथड हमारा। ये हम लोगों ने
आप लोगों के लिए एक नेचुरल ग्लोइंग नेचुरल स्किन के लिए बना रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, गौर से देखने, गौर फरमाए, गौर फरमा ले थोड़ा सा। तो आपने अगेन बेसन जो कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट है आज, तो आज का हमारा उसके साथ शो स्टॉपर बेसन बिल्कुल स्टार्टर भी है स्टॉपर भी यही है। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने डालना है उसमें हल्दी डालनी है आपने। तो हल्दी के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, तो आपने ये करने के लेकिन उसका कलर सा आ जाता है, तो फिर आपने थोड़ी हल्दी थोड़ी कम डालनी है, ठीक है। हाँ थोड़ी कम डाल लें, उसका फ़ायदा तो हो ही जाएगा चाहे कम डालें या ज़्यादा। हाँ तो बहुत ज़्यादा डाल के आपने ऐसा लगेगा जैसे पी लिया हो। तो ये साथ हम रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हैं, आपके पास किसी भी ब्रांड का हो तो यूज़ कर सकते हो रोज़ वाटर। ओके तो आपने रोज़ वाटर स्प्रे कर लेना अंदर, और उसके साथ आपने एक चीज़ और डालनी है, आपने इसके अंदर उसे अच्छा सा पेस्ट बना के, तो पहले उसे आपने मिक्स कर लेना ज़रा, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्ग्रीडियंट ऐड करते जाना। तो ये बन गया हमारे पास पेस्ट, और हम लोग थोड़ी देर उसे रख देंगे, और फिर मैं अगेन आपको गुड़िया के हैंड्स पे जो अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इसके हम लोग क्या फ़ायदे हैं, या वो तो आपको पता ही है कि नेचुरल ग्लोइंग स्किन जो आपको मिलना है, ठीक है। थोड़ा सा आप हनी अंदर ऐड कर लें, हनी आप ऐड कर लोगे तो इसकी अच्छी सी एक आपको मिल जाएगी पेस्ट। और इसका थोड़ा सा मेथड आपको चेंज मिलने वाला है, क्योंकि इसको अप्लाई कर लेना हमने और इसको हमने मसाज भी करना है, ठीक है। एक तो इसमें हनी है ना, हनी है तो आप मसाज कर, उसकी कंसिस्टेंसी और इतना इतनी जोर से नहीं करना, अगर आपने मतलब ये एक्नी वाली स्किन पे भी कर रहे हैं ना, तो फिर आप जोर से बिल्कुल भी नहीं। ये हम लोग रैशेज वाली स्किन और एक्नी स्किन के लिए, जो पिंपल्स होते हैं जिन पे, उनके लिए है, और ये प्लेन सिंपल स्किन के लिए, सिंपल के लिए भी है, क्योंकि दोनों पे यूज हो जाता है। लेकिन मसाज में आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आप अगर आप नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, आप आराम आराम से मसाज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ऑयली तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर आपकी ज़्यादा पिंपल्स और रैशेज और पेन होती है, तो आपने इसको ज़्यादा नहीं मसाज करना, क्योंकि करना है बहुत, वो आपको फर्क पड़ जाएगा चाहे करें ही ना। हाँ सिंपल सिंपल स्किन पे करना है, ज़्यादा ही अगर रेडनेस है और तो फिर ना करें, फिर ना करें। तो जी गुड़िया को लगाते लगाते मेरा भी दिल किया मैं अपने हाथ पीले कर हो गया हाथ पीले। हल्दी यार मुझे बहुत पसंद है, और मुझे ना उपटन और हल्दी वाली फीलिंग आ रही थी, बस इसकी स्मेल नहीं पसंद, लेकिन वैसे ही ना मजा आता है मतलब लगा दे तो स्मेल से मुझे एलर्जी। हल्दी चंदन के यार वो हल्दी वाले गाने भी हमें याद आ रहे थे ना, पता है हल्दी उपटन मुझे एड याद आ रही थी, हल्दी और चंदन के गाने। हाँ वो पता है आती होती थी यार, तो ले जी अब हम आपने ना पाम से बिल्कुल भी नहीं इस पे मसाज करना, फिंगर से ही जैसे हमने आपको बताया हुआ पहले, क्यों किया था आपके कमेंट्स में जरा बताइएगा, आपको याद है भला कि नहीं, जरा टेस्ट तो ले, पाम पे मसाज क्यों, पाम से क्यों नहीं करना और फिंगर से क्यों करना, तो जो ये जवाब देगा उसको मिलेगी एक वीकोट आयुर्वेदिक तो आपकी नेचुरल स्किन के लिए। आपने नकल्स पे भी, अगर आप हैंड्स पे कर रहे हो तो नकल्स पे भी थोड़ा रब कर लेना, लेकिन अगर आप फेस पे कर रहे हो तो आपने पिंपल्स पे ये बिल्कुल भी रब नहीं करना, ठीक है, स्पॉट्स के लिए और ये उसके लिए। तो हुरी अपना मसाज कर रही थी और मैं अब मैंने अपने हाथ पीले कर लिए और हुरी ने अपने, और हमें काफी मजा आया था। हल्दी जैसे, लेकिन हल्दी की वैसे तो कोई हल्दी आ नहीं रही यार, अभी तक कोई शादी नहीं आ रही है कि आ तो रही है, लेकिन पता नहीं अब शादी आने वाली है ना, तो आपको हमारे ना व्लॉग्स आएंगे शादी वाले, तो आप लोग जरा रेडी हो जाएं, हम अपने ड्रेसेस भी दिखाएंगे हुडी। हाँ नवंबर में ना शादी है, नवंबर के लास्ट में, तो हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे अपनी फैमिली से जरा इंट्रोड्यूस कराएंगे हम आपको, छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़े बच्चों, तो आप हमारे साथ रहिएगा, ठीक है, ये मसाज करते जाना है और आपने 2 मिनट के लिए रुक जाना है, ठीक है, देन अगेन 2 मिनट रुक के फिर से आपने दोबारा से इसको ना मसाज करना शुरू कर देना है, ठीक है, फिर जेंटली ही मसाज करना है। अब मैं क्या कहूँ, आपने नहीं करना इतनी जोरों से, ये देखें जी बात कर रहे सर, हमने वॉश करके आ गए हैं, तो पर्सनली हम मुझे भी और हुरी को भी काफ़ी अच्छा लगा था, एक स्किन फ्रेश सी हो गई थी और इसका कोई इचिंग और वाला तो कोई हिसाब है ही नहीं ना। ये देखें जरा रिजल्ट आपके सामने है, हाँ, ये हमारे दूसरे हाथ का रिजल्ट चेक करें और जिससे हमने अप्लाई किया था उसका रिजल्ट चेक करें, खैर इसका इतना भी नहीं होता कि फौरन से आपको मिल जाए, नेचुरल है, लेकिन फिर भी एक दफा धोने से ही ना वो काफ़ी सॉफ्ट सी फील हो रही थी,
मतलब अच्छा हम लोग कुछ यूज़ करें, जिस तरह ड्राई से ड्राई हो जाती है तो फिर ये ड्राई होती। तो आप हमें बताइएगा आपको ये जो हम लोग रेमेडीज आपको बताई कैसी लगी, आपको कैसी लगी, और इसको जरूर ट्राई भी करें, कमेंट में बताएं। और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट किस चीज़ पे वीडियो बनाएं, हम वही चीज़ कर लेंगे। बिल्कुल, हम वही उसी पे सर्च करके थोड़ा सा आपको बता देंगे, और जितनी हमें इन्फो होगी हम आपको जरूर बताएंगे। और जो अजीब अजीब तरीके के आप लिंक देख देख के या फिर करने लग जाते हैं ना, तो उस तरह आवाज आए और हमारी तरफ आए और हमारे मशवरों पे अमल करें, साड़ी नाल रहोगे तो ऐश करोगे क्योंकि ऐसी अच्छे मशवरे देने पर हमारा कुछ भी हम फेक नहीं बता रहे, ये सारा कुछ आपको आप करके बता रहे हैं। कुछ खराबी होती तो भाई हमने अपने हाथों पे क्यों करना, बड़ा प्यार है अपने हाथों से, हम खराब नहीं करते उनको तो आपने हमें बताना है, ठीक है। ये आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट में बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और बताइए, फीडबैक भी देना अच्छा लगा या पहले आप कुछ खराब करते थे वो भी। तो ओके, बाय बाय।